नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम खड़े हैं वसई के सन सिटी में। आप देख सकते हैं यहां बड़ी खूबसूरत वसई विरार महानगर पालिका ने एक कृत्रिम गार्डन जैसा बनाया है। आमची वसई, सुंदर वसई, और ख़ासकर सेल्फी पॉइंट, यहाँ आइए सेल्फी खींचिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन इसके आगे और क्या, शहर को खूबसूरत बनाने की वसई विरार महानगर पालिका इस समय बात कर रही है, लेकिन कहाँ पैसों की बर्बादी की जाती है, नहीं की जाती है, वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ इन्होंने सेल्फी पॉइंट बनाया है। आप सभी जानते हैं ये एरिया ऐसा है जहाँ बारिश के समय, जब थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पानी किस तरह से भरता है हम सभी जानते हैं। पीछे की तरफ ये नाला है, ये नाला है, नाले की सफाई कितनी होती है, क्या कुछ चीज़ें हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। और नाले के पास में ये सेल्फी पॉइंट बनाया है ताकि कोई भी सेल्फी पॉइंट पे आए, यहाँ उनको शाम के समय अक्सर लोग आना पसंद करते हैं और शाम के समय मच्छरों का हमला होता है, यहाँ आए, आराम से बीमार पड़े, महानगर पालिका को दो पैसा कमाने का मौका मिले, अस्पतालों में जाए या प्राइवेट उनके जो सेंटर्स है वहाँ पर अपना इलाज कराएंगे तो दो पैसा कहीं ना कहीं वाया वाया पहुँच जाएगा, ये परिस्थिति। खैर, वो चीज़ अलग है। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि गटर के ऊपर, नाले के ऊपर ये बाथरूम बनाया। अब ये बाथरूम क्यों बनाया, टॉयलेट क्यों बनाया, उसके लिए आपको इस तरफ आना पड़ेगा, इस तरफ। ये अभ्यासिका, एक अभ्यासिका मैंने थोड़े दिन पहले, अभी तीन चार दिन पहले अभ्यासिका की सिचुएशन आपको दिखाई थी वसई के जीजी कॉलेज की। ये दूसरा अभ्यासिका है, 17 से 18 लाख रुपये एक अभ्यासिका के ऊपर खर्च हुआ है। ये अभ्यासिका भी उसी समय जून में इसका उद्घाटन किया गया था, लेकिन आज दिन तक शुरुआत इसकी नहीं हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं इस समय एक सिपाही है, वो बैठे हुए हैं, लॉक लगा हुआ है। यहाँ अभ्यासिका को महानगर पालिका ने अपना ही गोडाउन बनाया हुआ है, जबकि अभ्यासिका इसके लिए बनाई गई थी कि कोई बच्चे यहाँ पर आकर पढ़े। अंदर अभी यहाँ खोले नहीं दिया जा रहा है, बोल रहे हैं चाबी नहीं है, परमिशन नहीं है, लेकिन विंडो से अगर हम अंदर झांकेंगे तो ऐसा मालूम पड़ता है, प्रतीत होता है कि सभी अस्त व्यस्त, सब चीज़ें पड़ी है। अंदर का भी निरीक्षण नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन 100% ये बात है कि अंदर गड़बड़ियाँ है। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका उन गड़बड़ियों को छुपाने के लिए लॉक लगा कर रख रही है, ताकि लोगों को मालूम न चले, और उनके पाप, बोलूँगा मैं, पाप पर पर्दा पड़ सके। तो ये हालत है हमारे वसई विरार महानगर पालिका की। यहाँ लाखों रुपया पब्लिक के टैक्स का पैसा बर्बाद कर दिया जाता है। पिछले समय में वसई विरार महानगर पालिका के तत्कालीन आयुक्त गंगाधरन डी ने कोविड में 17 हैंडवॉश स्टेशन बनाए थे। 3.5 लाख रुपए का एक हैंडवॉश स्टेशन था। जब गंगाधरन जी ने वो गलती की, वो हैंडवॉश स्टेशन बनाए, 50 लाख का उस पर खर्चा किया, कई बार मैंने खुद उसका फॉलोअप किया, और वर्तमान आयुक्त, उन्होंने एक दिन पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा था कि इन 17 के 17 हैंडवॉश स्टेशन को हम कुछ ना कुछ अच्छा करने जाएंगे। आज भी उन हैंडवॉश स्टेशन की वही दुर्दशा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वसई विरार महानगर पालिका में जो ज़रूरत का खर्च है वो नहीं किया जाकर फिजूल खर्ची काफ़ी की जाती है। अब इसका फ़ायदा किसको है और नुकसान किसको है, ये तय करना पड़ेगा। क्या इसके पीछे कोई भ्रष्टाचार है, ये मेरा सवाल है। सीधे सीधे किसी एक पक्ष को या किसी ठेकेदार को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। दूसरी तरफ नुकसान किसका है, तो नुकसान इंडिविजुअल मेरा है, मैं जनता हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ, और मेरे जैसे 25 लाख वसई विरार वासियों का है, क्योंकि हम टैक्स भरते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई, हकीकत आपको दिखाना आया था। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।